हाँ दोस्तों, सूरदास के तीसरे पद के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। दो पद आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही साथ सूरदास का जो कवि परिचय है वो भी देख सकते हैं। जो साथी या जो बच्चे इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम कक्षा 10 की विषय हिंदी पर चर्चा करें। हमारा पहला पार्ट सूरदास के जो चार पद हैं उन चारों पदों के अलग अलग वीडियो और लास्ट में उनका एक समेकित वीडियो भी लगाएंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2020-21 के सत्र की जो परीक्षाएं अभी तक स्थगित चल रही हैं उस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। तो सबसे खास बात क्या है, 2020-21 के सेशन में 2020-21 के सत्र में जो पाठ्यक्रम लागू है उस पाठ्यक्रम की बात करें, क्योंकि अगले सत्र में वही क्षितिज नामक पुस्तक है, सूरदास नामक पहला पाठ है, लेकिन पाठ के जो पद हैं वो ये नहीं है, पद परिवर्तित किए गए, दूसरे दिए गए। तो सूरदास की इस प्रथम द्वितीय पद के बाद हम तीसरे पद की बात कर रहे हैं और ये पद सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, भ्रमर गीत सार से, सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। अब यहां पर गोपियां उद्धव से कुछ कहती हैं और क्या कहती हैं, देखिए कि संदेशन मधुबन कूप भरे अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरी फिरी न फिरे जीते पदिक पठे मधुबन को अहुरी ने सोध करे के वे श्याम शिखाई प्रमोदे के कहूं बीच मरे कागद गरे मेघ मसी खूटी सर दबला की जरे सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। गोपिया कहती हैं कि हमने अनगिनत संदेश, अगण्य संदेश कृष्ण को मधुवन अर्थात मथुरा में भिजवाए, लेकिन वहां से एक भी संदेश हमारे पास लौट कर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि सूरदास कहते हैं कि या तो लिखने वाले उनके कृष्ण की तरफ से लेखन करने वाले जो उनके सेवक हैं वो अंधे हो गए हैं, या और उसके जो पलक रूपी कपाट हैं वो अड़े हुए हैं, भीड़े पड़े हैं, अर्थात उनके कपाट बंद है। कपाट तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का है, हिंदी में इसके लिए हमने किवाड़ शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में अपने घरेलू जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। संदेशनी संदेशों से, मधुवन मथुरा कूप कुएं में, पठवत भेजे थे भेजना, फिरी इसके बाद, न फिरे नहीं आए, लौटना नहीं लौटे, जीते जितने पथिक दूत या यात्री, या तो हमने दूत भेजे या मथुरा की तरफ से जाने वाले जो यात्री थे जो मुसाफिर थे उनके साथ हमने संदेश भेजे लेकिन वो वापस नहीं आए, पठे भेजे बहुरी फिर शोध शुद्धि खोज या कोई खबर, सिखाई सिखाकर सिखलाकर अथवा बहला फुसला कर, प्रमोदे वश में करना, उन्होंने अपने वश में कर लिया है, कागद का अर्थ कागज, गरे का अर्थ है गलना, जैसे कागज बरसात में या पानी में भीग कर जिस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार से ये लिखने का क्रम मेरा इस प्रकार से रहा, सबसे पहले ये लिखे उसके बाद ये और ये अंतिम है। मेघ बादल को कहते हैं लेकिन बादल वर्षा देते हैं तो वर्षा के रूप में भी यहाँ पर हमने प्रयुक्त यहाँ कवि के द्वारा वर्षा के रूप में इसे प्रयुक्त किया गया है। मसी कहते हैं स्याही को, कबीर के लिए गया है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ, कि ना तो मसी स्याही कभी छुई है ना कभी कागज। खूटी का अर्थ होता है खत्म होना। सर कहते हैं सरकंडे को, सर किसे कहते हैं, सरकंडे को। आजकल के पेन कुछ अलग हैं, उससे पहले जब हम दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में हुआ करते थे उस समय, और जो मुझे नहीं लग पता कि अलग अलग क्षेत्रों में उसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं राजस्थान के क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखता हूं तो यहाँ पर कुंचो कहते थे और उसकी छप्पर या छान बनाने के काम में आता है, तो उसके और उस प्रकार से उसको इस प्रकार आगे से कलम बनाकर और उससे लेखन का कार्य करते थे। आप देखेंगे बुजुर्ग आदमी जो पुराने आदमी उनकी जो हैंड राइटिंग है उनकी जो हस्त लेखन की कला है उनकी हस्तलिपि बहुत ही सुंदर है, उसके पीछे वजह वही थी कि जो कलम बनाने वाले सरकंडे हैं, सरकार है सरकंडे, वैसे सरकार तो सरोवर या तालाब से होता है, दब का अर्थ होता है दावानल, दावाग्नि या जंगल में लगने वाली आग, और सरकंडे चूंकि जंगल में ही होते हैं या हमारे जो दो खेत हैं उन खेतों के बीच में भी इनकी एक कतार पाई जाती है, नदी के किनारे भी खूब मिलते हैं, तो सरक
कंडे और दावानल में या जंगल में लगने वाली आग की वजह से वो भी जल गए। जरे माने जलना, सेवक है, लिखने वाला नौकर, आंधो का अर्थ अंधा, कपाट का अर्थ किवाड़, किवाड़ कौन से, ये आंखों की रूपी किवाड़, आंखों की किवाड़। और अरे, अरे वैसे तो संबोधन है लेकिन यहाँ पर कवि के द्वारा और अड़े हुए या भीड़े हुए या बंद के लिए किया गया कि उसकी जो आंखों की पलकें वो बंद है, आंखों के पलक के पर जो पलक रूपी किवाड़ आंखों के ऊपर लगे हुए हैं, आंखों के ऊपर जो पलक रूपी किवाड़ लगे हुए हैं वो बंद पड़े हैं। अब देखिएगा कवि क्या कहते हैं कि संदेश ने मधुबने कूप भरे, कि गोपिका ये कहती है कि हमारे संदेशों से मधुवन मथुरा के कूप कुएं भर गए हैं, कि हमने कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं कि हमारे संदेशों से कुएं भर गए। हालांकि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है लेकिन आप ये मान सकते हैं कि संदेश भेजे जाने वाले संदेशों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अपने तो पठवत नहीं, अपने तो पठवत नहीं मोहन, कि मोहन, मोहन किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए, कि कृष्ण ने अपनी तरफ से तो भेजे नहीं, पठवत का अर्थ भेजना, कि कृष्ण ने अपनी तरफ से तो कोई दूत, कोई मुसाफिर या कोई भी संदेश वहां भेजा नहीं, हमरे फिरी न फिरे। और उसके बाद कृष्ण ने अपने तो भेजे नहीं और हमारे उसके बाद वापस लौट करे नहीं आए। फिरी का अर्थ हमने क्या लिखा है इसके बाद, कि हमने तो भेजे वो एक बार ही गए, दोबारा न फिरे, वो वापस लौट करे नहीं आए। जितने पथिक पठवे मधुबन को, कि जितने यात्री जितने संदेश वाहक पठे भेजे मधुबन को मथुरा को, बहुरी न शोध करे, फिर उन्होंने हमारी कोई सुधि नहीं ली, हमारी कोई खोज खबर नहीं ली, शोध करे मतलब कोई सुधि नहीं करी उन्होंने। के वे या तो, के कहा था या तो वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूं बीच में रे, कि या तो वे बीच में कहीं मर गए हैं या श्याम कृष्ण सिखाई सिखाकर प्रमोदे अपने वश में उनको कर लिया है, कि या तो वो कहीं रास्ते में मर मरा गए और या कृष्ण ने उन्हें बैला फुसला कर अपने वश में कर लिया है, या कागज गरे मेघ, या बरसात में वो जो कागज लिखने वाले उन वाहन मथुरा के जितने कागज थे वो सारे के सारे कागज हैं वो गलकर नष्ट हो गए, इसलिए बेचारे कृष्ण कहां किस पर संदेशा लिखकर हमें भेजें, या मसी खूटी, या उनकी जो स्याही थी वो स्याही समाप्त हो गई है, सर दबल आगी जरे, या सरकंडों के जो जंगल थे उस जंगल में आग लग गई होगी और उस आग के कारण से अब वहां के जो सरकंडे थे वो जल गए, और जब सरकंडे जल गए तो बेचारे काहे से किस चीज से वो कलम बने, किस चीज से वो लिखें। गोपी गए इस प्रकार से व्यंग्य कर रही है किस पर, कृष्ण पर, कि सर दबल आग ही जरे, कि सर सरकंडों के जंगल में आग लग जाने से शायद वो सारे जल गए, इसलिए बेचारे कृष्ण कहां से हमें संदेशा लिख कर भिजवाए। सेवक सूर लिखन को आंदो, सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की तरफ से लेखन कार्य करने वाला जो सेवक है, जो नौकर है, जो उनका चाकर है, या तो वह अंधा हो गया को आंधो, या तो वह अंधा हो गया है और इस अंधे होने की वजह से पलक रूपी कपाट, उसके पलक रूपी जो किवाड़ है वो किवाड़ भीड़े पड़े हैं, बंद हो गए हैं, इसलिए बेचारे वो हमारे लिए कृष्ण की तरफ से कोई संदेश नहीं लिख पा रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां सूरदास की गोपियां या सूरदास की तरफ से या सूरदास गोपियों की तरफ से इस प्रकार से ये लेखन करते हैं और इसके माध्यम से वो बताते हैं कि कृष्ण ने हमारे एक भी संदेश का जवाब नहीं भेजा है और न भेजने, और हमने तो भेजा, या तो वो मरमरा गए या कृष्ण ने उन्हें बैला फुसला कर अपने वश में कर लिया है। और कृष्ण क्यों नहीं भेज पाते, कि या तो मथुरा के समस्त कागज जितने कागज वहां थे वो सारे गलगला गए, और या वहां की स्याही खत्म हो गई, या वहां कलम बनाने वाले जो सरकंडे हैं उन सरकंडों के जंगल में आग लग जाने से वो सारे जल गए, इसलिए कहां से करें, या उनका जो लेखक है या उनकी तरफ से लेखन कार्य करने वाला जो सेवक है वो अंधा हो गया और उस अंधे होने की वजह से उनकी आंखों के कपाट हैं वो बंद हो गए हैं, इसलिए वो हमारे लिए कोई संदेश कृष्ण की तरफ से लिख नहीं पा रहे हैं। और
इस प्रकार से इस पद की ये जो व्याख्या है वो व्याख्या पूरी होती है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप दोबारा जब इसको देखना चाहें तो वीडियो न देखना पड़े, आप सीधे इसी से और इसे इसके शब्दार्थ इत्यादि देखने के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना पड़े। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा इसका एक भाग मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं। मैं सोचता हूँ शायद आपने इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बार ले लिया उसके बाद हमें आगे से आगे उसके बारे में और अपने फोन को के डाटा खत्म किए बगैर भी अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों यहां देखेंगे, अब देखिएगा, सबसे पहले यदि व्याख्या की बात आती है तो प्रसंग लिखेंगे हम, तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमने बहुत सारे संदेश भिजवाए, अनगिनत संदेश भेजे, इतने संदेश थे कि मथुरा के कुएं भी उससे भर गए होंगे, लेकिन कृष्ण की तरफ से हमारे लिए एक भी संदेश नहीं आया। हमने जितने लोगों को मथुरा भेजा था वो सब लोग या तो उन सब लोगों ने यहाँ से गए ही थे, वापस आने की उन वापस आकर उन्होंने हमारी कोई खोज खबर नहीं ली, या तो कृष्ण ने उन्हें बहला फुसला कर अपने वश में कर लिया है और या वे बीच में मारे गए हैं, मर गए हैं। कागज गरे मेघ, या वे उस वहां के कागज गल गए हैं, या उनकी स्याही खत्म हो गई, या कलम बनाने वाले जो सरकंडे थे उसके जंगल में आग लग जाने की वजह से सरकंडे वो कलम नहीं बना पाए हैं, और सेवक सूर लिखन को अधो पलक कपाट करे, और उनके या उनके जो सेवक हैं लेखन कार्य करने वाले वो अंधे हो गए हैं, इसकी वजह से उनके पलक रूपी किवाड़ है वो बंद हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हो जाएगी इसकी, ये व्याख्या हो गई। और नंबर तीन पर हम बात करें तो तीन नंबर पर हम अपनी व्याख्या के उसमें लिखते हैं विशेष। विशेष में एक तो आप लिखेंगे ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, एक तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, और संदेशों से कुएं भरने की बात में, भरने वाली बात में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। अतिशयोक्ति कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या कहलाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इतने संदेश किसी भी हाल में नहीं भेजे जा सकते कि इससे कुएं भर जाएं। इसके बाद में नंबर तीन पर बात है गोपियों की शैली कैसी है, व्यंग्यपूर्ण है, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में व्यंग्यात्मक टोन में अपनी बातें कही है कि या बेचारे क्या करें, या तो उनके कागज गल गए, या उनकी स्याही खत्म हो गई, या उनके सरकंडों में आग लग जाने की वजह से कलम नहीं बना पा रहे बेचारे, इसलिए कृष्ण कहां से संदेश भेजेंगे। इस प्रकार से उन्होंने गोपियों ने कृष्ण पर और अपने व्यंग्यपूर्ण बातें कही है। तो दोस्तों ये इसका तीसरा पार्ट पूरा हुआ। आप चैनल पर नए हैं तो इसके पुराने वाले वीडियो और देख सकते हैं। धन्यवाद। अभी